जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है हमें शुक्राना करने की कोई वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, गुरुजी हमें खुद वजह दे देते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि मन में आता है आज गुरुजी का शुक्राना करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी का शुक्राना कैसे करना चाहिए। चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है। मैंने आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, आज के इस सत्संग में कोई मिरेकल नहीं शेयर करूँगी, बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, जो कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना। गुरु जी, आज आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। शब्द नहीं है मेरे पास, कैसे आपका शुक्राना करूं। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, क्योंकि यही एक्सपीरियंस किया है कि हमेशा गलत ही हुआ है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, या कुछ भी हो। बट जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से मैं धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट अब सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया है। अब यही लगता है गुरु जी जो करेंगे, जैसा करेंगे, वही बेस्ट होगा। गुरु जी से जुड़ने के बाद बस गुरु जी के मैसेजेस का वेट करती रहती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी के स्वरूप से बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। मन करता है बस उन्हीं के सामने बैठ के उनसे बातें करती रहूं। गुरु जी मैसेजेस देते हैं कि सब्र कर, देर लग रही है क्योंकि तेरे काम पक्के हो रहे हैं, देरी में ही भलाई है। सच में संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बना के मुझ पे बहुत कृपा की है, क्योंकि आज मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, उसको मैं अकेले कभी भी हैंडल नहीं कर पाती। गुरु जी का साथ है तो हर प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरु जी मेरे कर्म कटवा रहे हैं। एक और बात शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने दो ब्रेसलेट स्वरूप पहने हुए हैं, दोनों ही स्वरूप कहीं ना कहीं से फेड हो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा फील होता है कि गुरुजी को अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। ऐसा तो सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। लास्ट में मैं बस गुरुजी से सच में दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने से कभी भी दूर मत करना, कोई भी बुरी शक्ति मुझे आपसे दूर ना कर सके। मेरी बेटी को और मेरे पूरे परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सबर की दात बख्शना, अपनी भक्ति में लगाए रखना, बुरे कर्मों से दूर रखना, मेरी बेटी के गुरुपा बन के उसके जीवन की सारी खुशियां दे देना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमें जो गुरु जी देते हैं उसका तो हम शुक्राना करते ही हैं। जो हमें गुरु जी ने नहीं दिया है, हमें उसका भी हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। एक शुक्राना करने से हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।